हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। पिछले एपिसोड में सबको याद होगा कि हमको एक न्यू वेपन मिल चुका था, तो आज का एपिसोड वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो बिना कोई देर के तो शुरू करते हैं। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर आप सबको याद होगा पिछली बार जो रास्ता वहाँ पर बंद था, मेरे ख्याल से अब खुल चुका होगा क्योंकि हमारा जो मिशन था वो हो चुका है। हाँ वो मैं सही कह रहा था। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं ऊपर की ओर टॉप टॉप के। चलो 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 जल्दी चलो यार। चलो यहाँ पर हम ऊपर की ओर आ चुके हैं। और यहाँ पर पता नहीं वही कैस्टल में कितने सारे यार सीक्रेट रास्ते बनाए हुए हैं यार, देख सकते हो यार। और यहाँ पर आगे कुछ ना कुछ होने वाला है, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। मैं कुछ नीचे बोल तो नहीं रहा, एक बार चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ दोबारा एक बार फिर से, देखते अब क्या होने वाला है। ये अजीब है ना कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है, मैं तो नहीं। और यहाँ पर हमारी तारीफ कर रहे थे यार कि हम सबसे महान हैं और हमारी बंद जरूरत थी इस टाइम, और हम यहाँ पर मतलब है परे। तो यहाँ पर यार हमको राक्षस को हराना पड़ेगा। और यहाँ पर हमको पावर मिल चुकी है, सही है यार। यहाँ पर उधर भी देखाते हैं उधर ऐसा किया है परा। और यहाँ पर हमारा आगे रास्ता जा रहा है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टॉप केयर। और यहाँ पर तुम देख सकते हो फोटो आ चुकी है शक्ति माता की, देखते हैं इनके बारे में ऐसा क्या बताएंगे। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है, उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। तो यहाँ पर पवित्र सोल के बारे में बताया गया यार कि वो ज़्यादा पवित्र थे। यहाँ पर ऊपर एक और ऐसा ही यार, नीचे गिर गया, दोबारा ऊपर चलते हैं यार। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर फोटोस लगी हुई हैं जिसके बारे में हम बताया जाएगा, जो भी भगवान है तो उनका मतलब हमको बताया जा रहा है। भाई ये गेम से इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि इस गेम में ना हमको अपने इंडियन गॉड्स के बारे में बताया गया है। दोबारा गिर गया नीचे यार, अब ऊपर आके बात करूँगा मैं। जब तक ऊपर जाता तब तक मैं तुमको बताऊँगा नहीं कुछ यार। तो यहाँ पर हम फाइनल दोबारा आ चुके हैं, फाइनल बच गया, इस बार नीचे नहीं गिरे। और यहाँ पर मेरे ख्याल से सरस्वती माता हैं, तो देखते हैं इनके बारे में क्या बोलेंगे। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको पता लगे जो ये सरस्वती माता हैं, इन्होंने मिलकर ब्रह्मा जी के साथ जो यूनिवर्स था उनको बनाया था। तो यहाँ पर हम दोबारा ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर विष्णु भगवान है। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। और यहाँ पर विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी की भी तस्वीर है, तो यहाँ पर देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना जो बुराई के विनाशक, दूसरा हिस्सा आपको पता है देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी। तो यहाँ पर हमको एक ही तस्वीर में शिवजी और दुर्गा माँ के बारे में बताया गया। और यहाँ पर मैं देखो आगे की ओर आ चुका हूँ, यहाँ पर रास्ता है मेरे ख्याल से हमको टाप के अंदर की ओर जाना है। एक मिनट यार, टाप नहीं, बार चल पहुँच गए हम अंदर की, और नहीं बार नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमको इधर की ओर जाना है, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं। चलो चलो पता नहीं हम क्या फंस चुके हैं क्या। मैं एक मिनट, ये क्या हुआ भाई, एकदम से यार पूरा चेंज हो गया यार। चलो यार यहाँ पर नीचे रास्ता है, तो नीचे की ओर जाके देखते हैं। वो रहा, गोलू, गोलू, वो से कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो वे चाहते हैं? और यहाँ पर बस गोलू हमारे करीब ही है, तो हम गोलू के पास जा रहे हैं। तुम्हारी बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और यहाँ पर दोबारा राक्षस आ चुके हैं हमें रोकने के लिए, और यहाँ पर जल्दी से हम इनको हराते हैं। हमारे पास एक स्पेशल डैगर, हम मरने नहीं वाले यार, ये हम थोड़ा बचा के रखेंगे।
जब कोई खतना का मतलब रक्षा जाएगा। और ये क्या ये ऐसे रक्षा जो खुद ही फंस जाते हैं यार। वही सही है यार, चलो हम सबको हरा दें, यहाँ पर हम आगे क्यों जा रहे हैं। और यहाँ पर यार आगे जा नहीं पा रहे, मेरे ख्याल से कुछ रहता है यार, थोड़ा आगे आया था यहाँ पर और रक्षा आ गए। और यहाँ पर दोबारा एक अटैक मिलने वाला स्पेशल अटैक, तो यहाँ पर यार बहुत खतना खतना के एलियन है। एलियन यार क्यों कह रहे हैं यार, मैं भी ना मोह राक्षस हैं। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं हम दो एक साथ ले सकते हैं क्या? तो ये क्या हमने डबल अटैक ले लिया यार, दो बार ही कर सकते हैं क्या हम अटैक? पता नहीं क्या होएगा अब। तो यहाँ पर हम आगे की ओर जा रहे हैं, वहीं से जा रही है वो गोलू को लेके। और यहाँ पर राक्षस ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया यार, वो जा चुकी है मेरे ख्याल से। उसके प्यार से उसके मकसद को शक्ति मिलती है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ देख लिया, दोनों तरफ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम सामने की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर हम ऊपर की ओर आ चुके हैं। और यहाँ पर तुम देख सकते हो नजारा यार, वो ये क्या रेनबो बन रहा है नीचे, ये तो मैंने अब नोटिस किया भाई यार। इसके लिए तो यार लाइक सब्सक्राइब चाहिए मेरे को यार, जो भी इनके यार डिजाइनिंग है यार, भाई ग्राफिक्स इतने इनके बहुत ज्यादा मस्त है। यहाँ पर देखो यार इनके लगी क्रिएटिविटी है भाई, कौन होगा जो महल में ऐसी चीजें बनवाएगा यार, जिसको टैप टैप के मेरे को आगे जाना पड़ रहा है भाई। यार लॉजिक किधर है यार, लॉजिक की अलग बात है यार, जाते ये क्या बोलूँ मैं अब। तो यार दोबारा करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, टैप लिया फाइनली। और यहाँ पर हमको भाई एक स्टंट मार जाना पड़ेगा। ओ फाइन हो गया भैया, मेरे बिल्कुल नहीं होएगा भैया, नीचे गिर गया, बच गया यार, दोबारा करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम फिर से एक बार और आ चुके हैं। ये क्या भाई कर लिया फाइनली इसने इस बार। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं ऊपर की ओर और यहाँ पर जाना हल्का सा रह गया बस यार, इस बार नीचे ना गिर जाऊँ, जा रहा हूँ आराम आराम से। चलो पहुँच गए फाइनली। और यहाँ पर यार इतना सन्नाटा क्यों भाई, मेरे को लग रहा है कुछ होने वाला है, क्योंकि हर बार इसी मोमेंट में कुछ ना कुछ होता है। तो देख लेते हैं, वेपन ही लगा लेता हूँ अपने हाथ में। हम यहाँ पर हम जा रहे हैं आगे की ओर, नहीं कुछ नहीं हुआ यार भैया, क्या बात है, देख लेते हैं यार, इतना सन्नाटा है भाई इधर तो बहुत। और यहाँ पर मैं थोड़ा आगे की ओर आ चुका हूँ और फाइनली यार किसी के होने का यहाँ संकेत मिला मेरे को। ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ यार मैं, चल कोई ना यार। ये क्या है, इसका टाइम बड़ा लगता है यार इसको मारने में यार। तो त्रिशूल इज बेस्ट यार, धनुष में ना टाइम लगता है थोड़ा अटैक करने में। तो धनुष में दोबारा हाथ में ले लिया, देखो ये खत्म, बताता हूँ ये देखो ये भी क्या, ये क्लोज और लॉन्ग में ना दोनों में मतलब अच्छा आता है, काम आता है। जो वो बोव एंड एरो है ना, वो सिर्फ लॉन्ग रेंज के लिए है और ये दोनों के लिए है। वे तुमसे जो भी चाहते हैं, मेरे रास्ते में जो भी आएगा, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ छोटे भाई, वो मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं कसम खाती हूँ। भाई मेरे को भी एक ऐसी डेडिकेशन चाहिए यार, क्या होता है मेरा चैनल जो ग्रो हो जाए और एक दिन नंबर वन यूट्यूबर बन जाए, ये सपना यार पता नहीं कब सच होएगा, कितने सालों से कर रहा हूँ यार। चल कोई ना, मैं मेहनत करता रहूंगा, चाहे मेरे को एक बंदा देखे, चाहे 10 बंदे देखे, चाहे 100 बंदे देखे, भाई वीडियोस आती रहेंगी यार। बेशक यार कुछ दिन मतलब एक दो दिन छोड़ के आए, पर वीडियोस आपको मिलेंगी। चलो यार कोई ना, यहाँ पर हमको पावर मिल चुकी है। यहाँ पर नीचे रास्ता जा रहा था तो हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये रास्ता, ये कुछ ज्यादा ऊंचा लग रहा है मेरे को यार। ओए नीचे गिर गया यार, मेरे को लगा ही था यार मरूंगा मैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से आ चुके हैं भैया, आराम से जाऊंगा इस बार। चलो बटन दबाजी और नीचे की ओर आ चुके हम, स्लेट करते करते और नीचे हमारे इंतजार करते थे राक्षस। और यहाँ पर ये क्या है, गणेश मार रहा है क्या, अलग तरह के गणेश हैं इसके। चलो यार वही क्या भाई, गणेश डाले मोस्टर आ चुके हैं यार। यार मोस्टर्स क्यों कहता हूँ मैं, हर बारी कही गया मेरा। चल कोई ना, सबको हरा दिया हमने। और एक और आ चुका है, चलो भैया इसके पूरे सीने में मैंने अटैक कर दिया। और ये क्या भाई, बम की गोली कौन मार रहा है भैया, अलग अलग से मोस्टर आ चुके हैं यार, ये लॉन्ग रेंज अटैक करना है मैंने। चलो ये क्या, वो बच गया मैं, ये भी गया खत्म। अबे और कोई रहता तो आ जाओ यार, सबको हमने फाइनली हरा दिया। और पीछे कुछ था यार, देख के आता हूँ एक बारी। और यहाँ पर मैं पीछे आ चुका हूँ, पीछे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यार मेरे को एक पजल मिल चुकी है, तो जल्दी से पजल को सॉल्व करते हैं जिससे हमको अपना पास्ट पता लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो पजल सॉल्व कर दिया, अब देखते हैं हमारा पास्ट में ऐसा क्या होगा। वो हमेशा से आपके साथ रही है और वो सही है, आप इसके बारे में बहुत सोचती है। वो जरूरी है, उससे दुनिया के मानवों को बहुत उम्मीद है, मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। तो यहाँ पर कुछ तो है ऐसा मेरे में जो माँ दुर्गा हमारे साथ है हमेशा, वही मेरे को जानना है यार, राज्य में ऐसा खासियत क्या है। ये अजीब है ना, कि इतनी सुंदर और नक्काशी वाली जगह को युद्ध के किले के रूप में बनाया जाना। युद्ध वो साधन है जो उन्हें दुनिया को बदलने के लिए दिए गए हैं, वे केवल उतना ही आदर करते हैं जितना जरूरी है।
युद्ध ही एक रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर विष्णु जी कहना है इतना अच्छा मतलब महल बना हुआ है वो युद्ध के लिए बना हुआ है, तो वही कह रहे हैं युद्ध हमेशा मतलब सही नहीं होता। अरे यार हमको करना पड़ेगा युद्ध, क्योंकि आपको पता ही होगा यार अच्छाई की हमेशा जीत होती है बुराई के प्रति। और यहाँ पर यार हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये टाप टाप जाने में थोड़ा वो होता है मेरे को यार। एक तो मैंने ऐसी गेम्स कभी खेली नहीं है प्रिंस ऑफ पर्सिया टाइप्स, और वैसी थीम पे गेम है। मैं स्टार्टिंग के पहले दिन से कह रहा हूँ ये प्रिंस ऑफ पर्सिया जैसी लगती है मेरे को। मैंने बस एक बार ही खेलती है प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड ऑफ टॉम वाली ऐसी कोई गेम थी, मैंने सिर्फ वही खेलती, मेरे को नाम याद नहीं है। तो मेरे को थोड़ा पता है कि वो ऐसी गेम होती हैं। तो यहाँ पर जल्दी चलते हैं ऊपर, मेरे को सही टाइम पर नीचे आ गया, मेरे को वो मिल गया था पावर। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं ऊपर की ओर दोबारा, चलो चलो। ओ यार टप टपे बहुत मारती है ये, एक तो जोश कंट्रोल नहीं होता। चल ठीक है लटक गई यहाँ पर, और यहाँ पर आराम आराम से जाएंगे ऊपर की ओर। और यहाँ पर हम ऊपर की ओर आ चुके हैं, अबे चल जा, अबे फंस गई क्या। चलो यार ऊपर आ गए, थोड़ा टाइम लगाया इसने ऊपर आने में। और यहाँ पर यार थोड़ी हरियाली सी आप देख सकते हो यार, मेरे ख्याल से मॉन्स्टर्स आएंगे और डीमंस आएंगे यार। अबे यार डीमंस कह दिया, राक्षस आएंगे यार, तीनों नाम एक साथ कह दिए मैंने। नहीं यार यार ये क्या बात है। और यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा मेरे को, ऊपर टाप के जा सकता हूँ खींच के। अबे क्या हो गया, मिल गया वो गोलू था। असुरों को वो क्यों चाहिए, इन जीवों ने अंधेरे के मंडल को बुलाया जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया था। राजी उन्हें रोकने के लिए भागी, लेकिन असुरों के मुखिया ने उसका रास्ता रोक दिया और अचानक गोलू गायब हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए राजी तो है ही खास, गोलू भी सबसे खास है। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट बॉस फाइट हो चुकी है जैसा मेरे को लग रहा है। नीचे इसकी हेल्थ बार आ रही है, हम एक बार में नहीं मरने वाला जितना मेरे को पता है। अबे ये क्या, अबे आग फेंकता है और इसके चार हाथ हैं क्या। अबे भगना पड़ेगा इससे यार, अरे भग जा यार। अबे यार बड़ा तेज है तो, अबे हम लगे हम मौके नहीं दे रहा। और यहाँ पर मैं इसको अटैक कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे यार इसकी रेंज कम है, थोड़ा सा एक बार आगे आइयो। ओए ये क्या, इसने अपना हथियार देखो कहाँ से निकाला यार, बड़ा खतना गया है तो यार। और ये मेरी फर्स्ट बॉस फाइट है, और यार मार दे यार, टाइम क्यों ले रहा है मारने में। चलो ठीक है, लग रहे हैं अटैक लग रहे हैं, दूर से ही खेलेंगे इसके साथ हम। भैया अच्छा खासा डैमेज दे रहा है भैया, ये तो नूब है यार, ये तो मार ही नहीं पा रहा मेरे को। बस ये खत्म खत्म, अभी ये मरेगा देखना। अबे ये क्या, अबे गोश्त राइडर का फैन है क्या तू, ये एक जंजीरें मार रहा है आग वाली। अबे हल्की सी रहेगी हेल्थ इसकी। और यहाँ पर हमने स्पेशल अटैक मारा अपना, अबे खत्म हो जाएगा हमें भी। अबे बच गया, अबे क्या मिस हो गया लगता है यार। चलो यार खत्म होने वाला है, बस एक दो बार और, एक लगा और उसे ख़त्म हो जाएगा एक बार अटैक करने। और यहाँ पर फाइनली हमने इसको हरा दिया, और यहाँ पर हम फाइनल जीत चुके हैं। और यहाँ पर देखो यार कितने स्लो मोशन में गिर रहा है यार, भाई ये क्या हो रहा है यार, ये गायब हो गया भाई, कुछ होने वाला है मेरे को लग रहा है ऐसा। असुर हार गया, बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे, लेकिन अंधेरों के मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी। शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी।
और तभी रहस्यवादी आए। उन्होंने राजी का शरीर उठाया और बहा दिया। जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया। उसके भाई के साथ कौन था? वे क्या चाहते थे? वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था और इसके लिए अपनी जान दी थी। लेकिन अब वहां के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ। रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी। और यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है यार, पूरी स्टोरी एकदम टर्न हो चुकी है। हम उसको बचाने वाले थे पर एक राक्षस ने बीच में आके यार उसको पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार, पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट हो गया। और जो बॉस फाइट थे हमने उसको हरा दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ यार, पूरा कैस्टल डाउन हुआ, आत्मा पता नहीं क्या क्या सीन था यार, समझ भी नहीं आया मेरे को यार, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में है। तो और यहाँ पर पता नहीं हम कोई अलग लोकेशन पर आ चुके हैं। क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा मांग लिया? ये तो समय ही बताएगा। और यहाँ पर हमको अपने भाई को फाइंड करना है यार, हम पता नहीं अलग लोकेशन पर आ चुके हैं। और यार मैं सोच रहा हूँ आज का एपिसोड इतने रखते हैं, बहुत लंबा हो चुका है यार। और यार आपको एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।